तो फ्रेंड्स, आज की वैकेंसी निकल के आ रही है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स वालों के लिए SJVN लिमिटेड में, जो कि मिनी रतन PSU के अंडर में आती है। आप यहां पे देख सकते हैं सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एक अच्छी खासी वैकेंसी निकल के आ रही है SJVN में, जहाँ पे फ्रेशर्स बिल्कुल एलिजिबल है, फ्रेशर के लिए ही ये जॉब निकाला गया है। अगर आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होती है तो आपकी सैलरी यहाँ पे 45,000 पर मंथ रहेगी और ये फिक्स्ड सैलरी है। इसके ऊपर और भी पर्क्स एंड बेनिफिट्स है। यहाँ पे कोई भी गेट का स्कोर कार्ड कुछ भी आपसे मांगा नहीं गया है। और सबसे खास बात कि यहाँ पे कोई इंटरव्यू भी आपकी नहीं होगी, डायरेक्ट यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाने वाला है। यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल आपका जॉब यहाँ पे लग जाने वाला है। तो जो भी यहाँ पे एलिजिबल होते हो वो अप्लाई यहाँ पे जरूर कीजिएगा, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि मैं प्रॉपर नोटिफिकेशन डिटेल भर के आप लोग को समझा दूँ और कैसे कहाँ से अप्लाई करना है वो भी मैं आप लोग को ले जाकर दिखा दूँ, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रोजेक्ट हीरो के बारे में बताने वाला हूँ। प्रोजेक्ट हीरो लाया है कॉन्ट्रैक्टर वेरिफिकेशन। प्रोजेक्ट हीरो इंडिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो हायर करता है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपको अपने साइट पे काम करवाने के लिए वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं, तो प्रोजेक्ट हीरो कॉन्ट्रैक्टर ऐप डाउनलोड करें और आज ही वर्कर्स हायर करें। कॉन्ट्रैक्टर वेरिफिकेशन एक ऐसी मेंबरशिप है जो आपको बाकी सबसे ऊपर के स्थान पे ले आएगी। चलिए अब जानते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। प्रोजेक्ट हीरो कॉन्ट्रैक्टर वेरिफिकेशन लेते ही आपको वेरीफाइड वर्क ऑर्डर्स मिलने लगेंगे। जॉब पोस्टिंग और टॉप ट्रेंडिंग जॉब पोस्ट की सुविधा मिलेगी। आप वर्कर्स के एप्लीकेशन को रिव्यू कर पाएंगे और आप हायर कर सकते हैं वेरीफाइड वर्कर्स। इसके साथ ही आप वर्कर के प्रोफाइल स्टेटस और परफॉर्मेंस का भी पता कर पाएंगे। यह पूरे 3 महीने की मेंबरशिप है, जो असल में 2999 की मेंबरशिप थी और आपको वो 1499 में मिल रही थी। बट 26 जनवरी तक अगर आप मेरा कूपन कोड YTMUKE33 यूज करते हैं तो आपको ये मेंबरशिप सिर्फ 849 में मिल जाएगी। तो सोचना क्या, अभी डाउनलोड करें प्रोजेक्ट हीरो कॉन्ट्रैक्टर ऐप और पाए कॉन्ट्रैक्टर वेरिफिकेशन मेंबरशिप आज ही। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। याद रखें, लास्ट डेट 26 जनवरी है। तो ये है SJVN लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट। वैसे आप गूगल पे जाओगे, SJVN टाइप करोगे तो सबसे ऊपर इनका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाता है। वैसे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो मैंने डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दी है अप्लाई का भी और नोटिफिकेशन का भी। आप वहां से चले जाना, पहले आप यहाँ पे समझ लो। जैसे आप SJVN के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं करियर लिखा हुआ मिलता है। ये क्विक लिंक्स आप देख रहे हो ना, इसी क्विक लिंक्स में आप इसको राइट साइड में इसको स्क्रॉल कीजिए। देखिए यहाँ पे करियर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद जितने भी रिक्रूटमेंट है ना, वो सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। सबसे ऊपर ही आप देख लो, जूनियर फील्ड इंजीनियर के लिए जॉब निकल के आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे व्यू जॉब डिटेल्स लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद ये पेज आता है, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने वो PDF खुल के आ जाएगा जिसमें सारे डिटेल्स दिए गए हैं। मैंने पहले से खोल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्कआउट करके यहाँ पे रखा हुआ है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। तो SJVN में ये जॉब निकल के आ रही है जो मिनी रतन कैटेगरी से बिलोंग करती है। और यहाँ पे अगर हम लोग टेंटेटिव वैकेंसीज की बात करें तो देख लो, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों के लिए ही वैकेंसी है यहाँ पे, जहाँ पे आपकी डिजिग्नेशन आपके सेलेक्ट होने पे जूनियर फील्ड इंजीनियर की मिलने वाली है। टेंटेटिव वैकेंसी की बात करें तो सिविल के लिए 30 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 35 है और मैकेनिकल के लिए 20 है। और तीनों ही पोस्ट के लिए आपका यहाँ पे फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए आपके रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन में। तो ये जनरल एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम 30 ईयर्स आपका होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। और जो एज के लिए कट ऑफ डेट है वो इस एडवर्टाइजमेंट का लास्ट डेट रखा गया है। अगर इस एप्लीकेशन की लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट डेट्स को। क्लोजिंग डेट इसका रखा गया है 12/2 यानी कि 12 फरवरी 2023। तो इसी डेट को आपका एज भी चेक किया जाएगा। और इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 जनवरी से स्टार्ट हो गई है मॉर्निंग में 10 बजे से। तो अब बात करते हैं यहाँ पे सैलरी की। अगर आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होती है तो आपको यहाँ पे फिक्स्ड सैलरी जो 45,000 पर मंथ मिलने वाला है। और इसके ऊपर भी बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स है, इसको आप स्टडी करिएगा तो आपको समझ में आएगा आगे। ठीक है, अब रिलैक्सेशन की बात करते हैं एज में। तो SC ST वालों को 5 साल का मिलता है, PWBD फिजिकली हैंडीकैप वाले को 10 ईयर्स का मिलेगा और OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले को यहाँ पे मिलता है 3 साल का। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने जो कि आपको बता दिया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही से यहाँ पे होने वाला है और उसी के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। टेस्ट सेंटर जो यहाँ पे रहने वाला है वो आपका हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, मोहाली और देहरादून। आपको 2 टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करने पड़ेंगे जब आप फॉर्म को फिलअप करोगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका 2 पार्ट रहने वाला है। पार्ट 1 में आपका 70 MCQ रहेगा आपके रेलिवेंट डिसिप्लिन से और पार्ट 2 में आपका 30 MCQ रहने वाला है जनरल एप्टीट्यूड से। तो CBT को क्लियर करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 40% और जनरल वालों के लिए 50% यहाँ पे रखा गया है। प्लेसमेंट अगर आपके यहाँ पे सिलेक्शन होती है तो आपका ऑल ओवर इंडिया या अब्रॉड कहीं भी हो सकता है।
अब बात करें यहाँ पे आपका डोमिसाइल होना चाहिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए इसी स्टेट में से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड चंडीगढ़, ठीक है। तो अब बात करें इस जॉब के नेचर के बारे में, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है जो कि 5 साल का आपका यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। पहले 3 साल का रहेगा, उसके बाद इसको 2 साल के लिए अपग्रेड किया जाएगा प्रोजेक्ट के अंत होने तक। इसके बाद इसके एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख लो, जनरल EWS और OBC कैटेगरी वालों के लिए 300 रुपीज लगेगा, और जो SC ST PWD कैंडिडेट है उन लोगों को कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे पेमेंट नहीं करनी है। आपको ऑनलाइन मोड से यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा और पेमेंट जो है वो भी आपको ऑनलाइन मोड से ही करना है। तो अप्लाई कहाँ से करना है अभी मैं आपको ले जाकर दिखा दूंगा, तो चलिए उसको भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, जहाँ से आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड किया था ना उसी के ऊपर में देखिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिंक लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है इसको अच्छे से आप स्टडी कर लीजिएगा। स्टडी करने के बाद नीचे आना है, आई एग्री पे चेक करना है, प्रोसीड टू रजिस्टर पे क्लिक करना है सबसे पहले, क्योंकि आप यहाँ पे नए हो, पहले आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए होंगे। अगर करवा लिए हो तो आपको यहाँ नीचे जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट क्लिक है टू लॉगिन पे क्लिक करना है। तो पहले खुद को रजिस्टर कीजिए, फिर लॉगिन करके आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कीजिए, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैचेज लगने वाले हैं वो सभी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मोड में यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको एक बार अच्छे से स्टडी जरूर कर लीजिएगा। आई होप आप लोग को सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको नोटिफिकेशन का अप्लाई लिंक डायरेक्ट मिल जाता है, आप वहाँ से जा सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।